बिसम राही आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बेसिकली है वर्टिब्रल कॉलम की डेवलपमेंट अब वर्टिब्रल कॉलम की डेवलपमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे होगी बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ना इसके लिए ना आपको पहले तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सुमाइड्स होते हैं पार्ट एक जमी क्या होता है उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं सुमाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं उन सुमाइड्स के जो है हमारे पास एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं वो सुमाइट जो होता है ना बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है एक डर्मोटोम होता है एक मायोटोम होता है और स्क्लेरोटोम होता है तो वो जो सुमाइट होता है उसका जो स्क्लेरोटोम पार्ट होता है उससे बेसिकली आगे वर्टिपल कॉलम बनता है तो अगर आपको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है तो पहले मैं वो समझाती हूँ अगर तो आपको ऑलरेडी इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है तो आ, आ, आप आगे स्किप कर दें नहीं तो समझ लें ठीक है अच्छा तो बेसिकली होता क्या है कि ना ये देखिए ये जो है ना ऊपर इन्होंने जो बनाई हुई है एक्ट्रोडम है बीच वाला हिस्सा मिजोरम का है और ये एंडोडम का है और बीच में यहाँ पे इन्होंने न्यूरल ट्यूब बनाई हुई है और नोटोकॉट बनाई हुई है ठीक है ये तो आपने पढ़ लिया होगा ना कि ये तीन स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं कि ऊपर एक्टोडम बन जाती है नीचे ये मिजोडम बीच में आ जाती है ये नीचे एंडोडम बन जाता है इनमें न्यूर न्यूरल ट्यूब बन जाती है और नोटोकॉट बन जाता है यहां तक तो पढ़ लिया अब सोमाइड्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये जो ये मिजोरम का स्ट्रक्चर है सारा ठीक है जो मिजोरम का स्ट्रक्चर इधर है ना मतलब बीच वाला जो हिस्से में होता है उसे हम कहते हैं पार एक्सल मिजोरम जो ये वाला होता है यानी ये वाला साइड्स पे मतलब दरमियान में वो होता है हमारे पास उसे हम कहते हैं इंटरमीडियट मिजोरम और ये जो बिल्कुल साइड्स पे आ जाता है ना ये वाला इसे हम कहते हैं लेट्रल प्लेट मिजोरम सही है ये लेट्र प्लेट मिजोरम हो गया साइड्स वाला ये जो है हमारे पास इंटरमीडियट मिजोरम हो गया और ये जो बीच वाला होता है इसे हम कहते हैं पार एक्सल मिजोरम इस पार एक्जल मिजोरम का जो मिजोरम होता है वो कंडेंस होकर हमारे पास बना देता है सोमाइट्स ठीक है यहाँ पे बनने लग जाते हैं सुमाइड्स मतलब ना ऐसे करके आप कह लेंगे ना ये मिजोराम जो है सारा मतलब इकट्ठा होकर ना ऐसे यहाँ पे सुमाइड्स बना देते हैं सही है ये जो सुमाइड्स होते हैं ये आप कह लेंगे इस तरह से है ठीक है ना इस तरह से ओके okay. ये जो सोमाइट्स होते हैं ना ये मजीद आगे क्या करते हैं कि तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं इन्होंने आगे तीन चीज़ें बनानी होती हैं एक हमारे पास जो है इन्होंने बनाना होता है स्केलेटन बनाना होता है ठीक है जिसमें हमारे पास ये वर्टिब्रल कॉलम और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके अलावा इसी ने जो है हमारे पास आगे जल के मसल्स भी बनाने होते हैं और इसी ने जो है हमारे पास स्किन भी बनानी होती है तो इस वजह से ये जो हमारे पास सोमाइट होता है ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है अच्छा ये जो है ना हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा ये हमारे पास डोरसल होता है नीचे वाला जो है ये वेंट्रल पार्ट है और ये वाला जो है लेटरल साइड है और ये वाली जो है मीडियल साइड है ये मैं इसके मुताबिक बता दूँ मैं इसको जरा बाहर करके इधर दे दिखा देती हूँ ठीक है ना ये अगर फर्श कर ले हैं तो ये ये जो होती है हमारे पास ये डोर्सल पार्ट होता है ठीक है ना और ये जो है ठीक ना वेंट्रल पार्ट होता है ये लेटरल पार्ट होता है और ये हमारे पास मीडियल पार्ट होता है सही है अब क्या होता है बेसिकली कि ना जो वेंट्रोमीडियल पार्ट होता है ना वेंट्रोमीडियल पार्ट वो हमारे पास बना देता है स्क्लेरोटोम ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैं कर रही हूँ ये वाला ये वाला हिस्सा हमारे पास क्लेरोटॉम बना देगा बाकी का जो हिस्सा होगा वो हमारे पास डर्मोमायोटोम बना देगा कि इसने जो है ये वाला जो काला वाला है इसे स्केलेटन बनाने आगे जाके यही जो रिब्स वगैरह बनाएंगे और जो बाकी का हिस्सा बच गया उसमें से आधा इसमें से जो है इसने इसे डरमोमायोटोम यानी बीच वाला जो हिस्सा होता है वो हमारे पास होता है डर्मोटोम का यानी इसने जो है हमारे पास स्किन बना देनी है जबकि ये जो साइड्स पे आ गया लेटरली और मीडियली ये हमारे पास क्या बना देगा ये हमारे पास मसल्स बना देगा खैर ये तो मैं जनरली बताया ना कि जिनको बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है उनको ताकि समझ आ जाए अब ये जो सोमाइड्स थे ना जो कि पार एक्सल मिजोरम के अंदर बने थे उन सोमाइड्स का ये जो स्क्लेरोटोम वाला रीजन है इसे हम कह रहे हैं स्क्लेरो है ना स्क्लेरोटोम ये स्कलैरोटोम वाला रीज है इसने जो है आगे जाके हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम बनानी है और इसी ने जो है वर्टिब्री बनानी है तो ये वाला स्कलैरोटोम की हम बात कर रहे हैं कि इसके जो मेजन मिजन काइमल सेल्स मिजन काइमल सेल्स होते हैं जो फ्यूचर में जाके कुछ भी बना सकते हैं तो ये वाले जो मिजन काइमल सेल्स हैं ये इन्वाल्व होंगे तो बेसिकली आपको समझ आ गई अब मैं आपको बताती हूँ वर्टिब्रल कॉलम कैसे है अब बेसिकली होता यह है कि ये जो था ना ये था वो स्क्लेर जो सुमाइट हमने जिसकी बात की जिसमें से ये वाला हिस्सा जो था जो कि वेंट्रोमीडियल था पार्ट वो बन गया था हमारे पास क्या स्क्लेरोटोम uh, बन गया था यानी ये अब डिटरमिन हो गया कि भाई इसने तो स्केलेटन बनाना है ये वाला जो हिस्सा ये डर्मोमायोटोम है डर्माटोम है जिसने स्किन बनानी है और ये जो साइड वाले जो हिस्से हैं दो इन्होंने कहना है कि हमने जो है मसल uh, सेल्स uh, बनाने हैं मतलब ये जो है हमारे पास मायोटोम हो गए अब जो, जो स्क्लेरोटोम है वी आर कंसर्न विद दिस क्योंकि अब हमने इसकी बात करनी है इसी से आगे वर्टिबल कॉलम बनेगा ये जो सारा का सारा मिजोडम uh, uh, जो हमारे पास है क्या इसे कह रहे हैं स्कलेरोटोम है यह हमारे पास चला जाएगा बीच वाले हिस्से में ठीक है कुछ इधर चला जाएगा कुछ इधर चला जाएगा कुछ इधर चला जाएगा कुछ ये न्यूरल ट्यूब को सराउंड कर लेगा ये जो सारा है ना ये जो सेल्स हैं ये इधर आके इस न्यूरल ट्यूब को सराउंड कर लेंगे इस नोटोकोड को सराउंड कर लेंगे और यहाँ पे जो है इन्होंने वर्टिबरी बना देनी है अब वर्टिबरी कैसे बनती है कि हमारे पास वर्टिबरी के चंद पार्ट होते हैं जिसका एक वर्टीब्रल बॉडी होती है इसी तरह ये जो है हमारे पास वर्टिपुरल फोरामैन है ये इसकी स्पाइनस प्रोसेस है और ये इसके ट्रांसफर प्रोसेस हैं अब इस क्लेरोटोम का जो पार्ट हमारे पास हमने पढ़ा था ना कि ये हमारे पास मीडियल साइड है ये वाली जो है लेटरल साइड है ये वाली जो है डोर्सल है और ये जो है हमारे पास वेंट्रल है तो अब क्या होगा कि जो यहाँ से पार्ट वेंट्रो मेडियली जाएगा ना वो यहाँ पे आके हमारे पास बना देगा वर्टीब्रल बॉडी जो पीछे की तरफ को यानी डोर जाएगा वो हमारे पास बना देगा यहाँ पे ये वर्टिब्रल आर्च और स्पाइनस प्रोसेस और इसके अलावा जो पार्ट इस तरह से बाहर मतलब लेटरली जाएगा वो हमारे पास ट्रांसफर्स प्रोसेस बना देगा ठीक है तो इस तरह से हमारे पास एक वर्टिब्री बनती है अब बेसिकली होता क्या है ये जो नोटो है ना ये ना इन्होंने हमें दिखाया हुआ है इस तरह से ट्रांसफर सेक्शन ठीक है अब हम इसका ऊपर से अगर हम देखें तो ये किस तरह हमें नजर आता है अच्छा बेसिकली अगर देखिये हमें अगर हो कि ये ऊपर से एक्ट्रोडम है ये नीचे वाला जो पार्ट है ये एंडोडम है ठीक है ना और ये बीच वाला जो पार्ट है ये मिजोडम है मतलब एक्टोडम मिजोडम uh, और नीचे वाला एंडोडम तो इन्होंने ना हमें इस वक्त इस तरह से क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है ठीक है ना इस तरह से कि जिसमें हमें ऊपर एक्टोडम नजर आ रहा है नीचे जो है एंडोडम नजर आ रहा है बीच में मिजोडम नजर आ रहा है और इधर ही जो है हमारे पास एक नोटोकॉर्ड है और जो है ऊपर न्यूरल ट्यूब है ठीक है ना यहाँ से स्कलैरोम के सेल्स आ रहे हैं ठीक है उसको ऊपर भी सराउंड कर रहे हैं डोर्सली नीचे जो है वेंट्रली सराउंड कर रहे हैं और यहाँ पे बॉडीज बन जाएंगी अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसका इस तरह से सेक्शन लेके यानी अगर हम इस तरह से इसको काटें ये वाली लाइन के अलोंग ठीक है ना इस लाइन के अलोंग जो है अगर हम इसको काट दें इस लाइन के अलोंग तो इतने हिस्से को अगर वो दिखाए ना तो वो हमें इस तरह से कुछ नजर आता है अब क्या हुआ कि जो नोटोकॉर्ड जो बीच में थी इसके गिर दागे थे सारे स्कलैरो इन्होंने क्या किया ये जो इस साइड के स्कलैरोटोम थे और जो इस साइड के स्कलैरोटोम थे ये आपस में मिल गए ठीक है ना और ये आपस में अटैच हो गए हैं सही है अब क्या होना है कि हमारे पास वर्टिप्रल बॉडीज जब बननी है ना तो बेसिकली ना मैं आपको केलम की डायग्राम दिखाती हूँ जरा ज्यादा अच्छी सी इन्होंने शो की हुई है बेसिकली ये देखिए हमारे पास न्यूरल ट्यूब थी बीच में ठीक है फिर क्या हुआ कि साइड पे हमारे पास क्लेरोटोम आए और फिर एक और स्क्लेरोम ये स्लेरटोम इस तरह से ढेर सारे स्कलैरोटोम है इस वाले 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 साइड साइड ये स्क्रटोम आपस में मिलके इस तरह से एक बन गया ठीक है ना ये एक बन गया ये एक बन गया सीख है ना अब क्या होगा कि ये जो स्लेरोटोम है दो हिस्सों में डिवाइडेड है यानी ये जो ऊपर वाला लाइट पिंक जो उन्होंने दिखाया हुआ है वो हमारे पास क्रेनियल हाफ है और ये जो डार्क वाला जो दिखाया हुआ है वो कॉर्डल हाफ है इसी तरह अगले स्कलैरोटोम का ये लाइट पिंक वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास सॉरी स्लेरोनियल हाफ है और जो डार्क वाला है वो कॉर्डल हाफ है अब ये केरल में बात लिखी हुई है कि जो क्रेनियल हाफ होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं जबकि जो कॉर्डल हाफ के जो आ, सेल्स होते हैं वो हमारे पास डेंसली पैक्ड होते हैं अब होता क्या है वर्टिब्रल बॉडी कैसे बनती है ये देखे ना यहाँ पे वर्टिब्रल बॉडी बन गई है अब वर्टिब्रल बॉडी ऐसे बनेगी कि ये जो हमारे पास एक स्क्लेरोटोम है उसका कॉर्डल हाफ ये जो डार्क पिंक में हमें नजर आ रहा है वो और ये नीचे वाली जो हमारे पास स्कलैरोटोम है उसका क्रेनियल हाफ ये आपस में मिल जाएंगे और ये देखें ये हमारे पास एक बॉडी बन गई डेथ ठीक है वर्टिपल बॉडी बन गई ये ऊपर वाले स्क्लेरोटोम uh, का uh, जो है हमारे पास कॉर्डल हाफ आया था डार्क पिंक वाला और यह जो है लाइट पिंक वाला जो है हमारे पास बेसिकली अगले वाले स्क्लेरोटोम uh, uh, का क्रेनियल हाफ आया था यहाँ पर से मिलके इन्होंने एक इंटर सेगमेंटल एक सेंटर मतलब हमारे पास जो वर्टिब्री बनी है उसकी जो बॉडी है ना ये उन्होंने वो बना दिए बेसिकली और हुआ कि ये जो है हमारे पास वर्टिप्रल बॉडीज बन गई और इनके दरमियान जो है ये जो येलो येलोसा है ये हमारे पास ब्राउन जैसे जो भी है ये जो है हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क बन गई इन दो वर्टिब्रीज के दरमियान डिस्क इसी तरह इंटरवर्टिपुर वर्टिब्रीज के दरमियान वे इंटरवर्टिपुरल डिस्क अब क्या हुआ ये जो है ना इसे हम कहते हैं री सेगमेंटेशन इसे हम कहते हैं कि क्लेरोटोम की री सेगमेंटेशन हो गई है कि जी कलेरोटोम ने अपना मतलब पार्टनर्स बदल लिए भाई उसने इसका इस इस वाले का जो था, उसके साथ मिल गया एंड ऑल दैट ठीक है that, ना ये री सेगमेंटेशन वाला प्रोसेस हो गया इस री सेगमेंटेशन में क्या होता है कि अच्छा ये ना ये देखें ये बीच में थी हमारे पास नोटोकोड थी इसके गिर्ड क्लेरोटोम थे ये जो है ठीक हमारे पास मायोटोम था मसल से ठीक है जो मैंने बताया था, था ना यहां पे हमारे पास मायोटोम होता है ये जिसने फ्यूचर में मसल्स बनाने होते हैं तो ये मायोटोम बेसिकली हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है ठीक है ना इसी तरह इस दर भी होगा इसी तरह इस साइड पे भी प्रेजेंट होगा उन्होंने दिखाया नहीं हुआ खैर बहरहाल आप इस डायग्राम में देख सकते हैं लैंगमैन की कि यहां पे जो बने हुए हैं ठीक है ये मायोटोम ये पहले कैसे थे इस तरह से प्रेजेंट थे लेकिन जैसे ही हमारे पास वर्टिब्रीज बनी है ना तो क्या हुआ कि ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क के लेवल पे आ गए पहले क्या था कि जहां पे स्क्लेरोटोम था ना एक स्कलेटोम की साइड पे माओटोम था एक स्कलेटोम की साइड पे माओटोम था अब क्या हुआ कि ये तो बन गई इंटरवर्टिब्रल बॉडीज मिलके इन इंटरवर्टी सॉरी तो वर्टिब्री बन गई ना वर्टिब्रल बॉडीज बन गई इन दो वर्टिब्री बॉडीज के दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उस इंटरवर्टिबरी के डिस्क के लेवल पे ये माओटोम आ गया यानी इनकी रीअरेंजमेंट हो गई अब इस रीअरेंजमेंट का फायदा ये होगा कि जो हमारे पास ये आया है ये इसको मूव करवा सकेगा ये जो हमारे पास ये मसल्स हैं ये इसको मूव करवा सकेंगे हमारी वर्टीब्रल कॉलम को अब होता ये है कि हमारे पास जो वर्टिब्रीज ये बनती हैं ये इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं क्योंकि लंबर होती है, कुछ लंबर वर्टिब्रीज होती हैं कुछ डिफरेंट होती हैं थोड़ा सी वर्टिब्रीज होती हैं तो उनको कौन कोड करता है वो एक जीन होती है ए जो एक्स ए वाली जीन जो होती है उसको उसकी शेप को डिटर्मिन करती है कि वर्टिब्री की क्या शेप होगी तो यहां तक तो भाई जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल एक्जैक्टली वही लिखा हुआ है अब होता यह है कि जो हमारे पास नोटोकॉड थी ना अगर आपने नोटोकोड का टॉपिक पढ़ा हो तो उसमें यह लिखा हुआ था कि नोटोकोड जो होती है वो बाद में डी मतलब खत्म हो जाती है ठीक है ना आ, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ वो न्यूक्लियस पल्पोसेस के तौर पे बाकी रह जाती है ठीक है ये देखिए मैं आपको इसमें भी दिखाती हूँ बेसिकली होता यह है कि हमारे पास ये जो नोटोकॉड थी ना ये बाद में क्या करेगी कि हमारे पास जो है खत्म हो जाएगी ये देखिए ये डॉटेड लाइन में वो शो कर रहे हैं कि ये डी होना शुरू हो गई है और पीछे क्या रह गया पीछे जो है हमारे पास ये देखिए ये जो है ना ये वाला ये इसका मतलब है कि ये डी होना शुरू हो गई है इस वाले हिस्से से और सिर्फ और सिर्फ इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर जो है ना ठीक है ये न्यूक्लियस पल के तौर पे जो है ठीक ना बाकी रह जाती है और अगर पूछा जाए कि इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होती है वो किस किस चीजों से मिलकर बनी होती है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं एक बीच वाला पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं ये न्यूक्लियस पेल है जो कि नोटोकॉड का रेमनेंट होता है उसका बाकी जो कुछ बाकी जो कुछ बच जाता है वो होता है और बाकी जो है हमारे पास एक फाइब्रस रिंग इसके गिर्द आ जाती है जिसे हम कहते हैं एन्यूलस पे आई एम सो सॉरी ये अच्छी क्वालिटी नहीं है वीडियो बट मैं टॉपिक पढ़ रही थी तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना लेती हूँ तो आई एम सो सॉरी लेकिन हो सब आपको समझ आ रही है